बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में हम बेटियाँ राज करती हैं। मेरी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से बनाना बता रही हूँ आपको। फ्राई मटन कलेजी, इसको आप कढ़ाई में भी बना सकती हैं, तवे पर भी बना सकती हैं, जिस पर दिल चाहे आपका बना सकती हैं। खाने में जायका बस लाजवाब होना चाहिए, खाने का तरीका जो मर्जी हो जाए। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने मटन कलेजी ली है, जिसको तकरीबन मैंने हाफ बॉयल पहले से कर लिया है। यहाँ पर इसमें लहसुन के पेस्ट वाला पानी शामिल कर दिया है मैंने। फ्लेम अपनी ऑन कर ली है मैंने, इसे अच्छी तरह से मज़ीद पकने दूंगी। लहसुन के पेस्ट वाला जो पानी है, लहसुन आप अच्छी तरह से कूट लीजिए और उसमें एक गिलास पानी शामिल कर दीजिए। आपके लहसुन पेस्ट वाला पानी आराम से 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 5 अदद ग्रीन मिर्च ले ली है मैंने, इससे इस मटन कलेजी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हरी मिर्च से। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। 2 अदद टमाटर लूँगी बड़े साइज़ के, और इनकी कटिंग भी ज़्यादा बारीक आपने नहीं करनी, क्योंकि इनका छिलका हमने उतार लेना है। और अगर कोई छिलका अंदर रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं। मेरे चैनल पर जो नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। छिलका एक एक जो उतर आए वो आसानी से आप निकालते जाइए। तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून में ऑयल का शामिल करूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप जब किसी होटल पे जाते हैं तो आपको इसी तरह का जायका मिलेगा। सूख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर मैं। ज़्यादा मसाले भी इसमें शामिल नहीं होंगे, और उसके बावजूद इसकी जो खुशबू अभी से आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की मेरी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूंगी मैं। कलेजी अच्छी तरह से गल जाए तो खाने में भी बहुत आसानी होती है। मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है। ऑलमोस्ट मेरी फ्राई मटन कलेजी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आखिर में मैं काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा आपकी फ्राई मटन कलेजी के अंदर। बहुत झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। घर पर खुद बनाइए आप, होटल और ढाबा स्टाइल फ्राई मटन कलेजी को आप यकीनन भूल जाएंगे, ये मेरा दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मेरी आज की फ्राई मटन कलेजी रेडी हो चुकी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।